सरकार गुड मॉर्निंग ओके सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स आई होप क्यों आया कैसे आया एंड सर दस का क्रेडिट क्यों मिला शायद समझ में आया सर आपको आवाज नहीं रही हो पक्का सी जी एस टी एस और आई सर हाउ इट इज यूटिलाइज एंड हाउ द जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजन टैक्स शायद पूरा जस्टिफाइड आपके एंड पे सर अरे हाए ना सर अल्टीमेटली जीएसटी रेवेन्यू कौन से स्टेट को मिल रहा था स्टेट जहां रेवेन्यू ऑफ द जीएसटी परसेंट तो मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई डाउट नहीं सर पर रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट कौन से स्टेट को मिलेगा जहां पर वो गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही भाई कंज्यूम क्लियर इसलिए इसको बोलते हैं क्या कंजन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स हा है ना सर क्लियर पका डन तो सर दस का ग्रेड क्यों मिला समझ में आया कि नहीं आया सर आपको आवाज नहीं आ रही हो yes, sir. पका हंड्रेड परसेंट डन सर सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी क्या होता है क्लियर है सर आपको पका सी जीएसटी सी जी एस टी एक्ट थ्रू जीएस सी जी एस टी एक्ट एस जी एस टी इज लेविड थ्रू रेस्पेक्टिव एस जीएसटी एक्ट और हर स्टेट का रेस्पेक्टिव एस जी एस टी एक्ट अलग अलग बना हुआ है सर है हाँ ना सर और आईजीएसटी एक्ट बना हुआ सर इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लेवी होता है वो आईजीएसटी एक्ट में बोला है क्लियर पक्का और हमारे सिलेबस में क्या था सर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी और अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे एस जी एस पढ़ लिए हा है ना भाई और यूटी जीएसटी एक्ट में और जीएसटी सेस में कुछ बातें जो एक्स्ट्रा थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा हाँ है ना अच्छा यूटी टी जीएसटी एक्ट में कुछ अलग से कुछ नहीं बोला सर एक्स्ट्रा बातें क्लियर सिंपल कनेक्ट करके बोला उन्होंने कि यूनियन टेरिटरीज में लगेगा क्या यूटी जीएसटी पर एंड सर सारे प्रोविजन सी जी एस टी एक्ट के ही होते क्लियर सो so अल्टीमेटली अपने को कहा अभी सी जी एस टी एक्ट सो वी आर बिगनिंग विथ सी जीएसटी एक्ट तो शुरू करें क्या लेके प्रभु का नाम yes, पका चलिए सरकार शुरू करते हैं हम सी जी एस टी एक्ट ओके पका ठीक सर सबसे पहला कोई भी एक्ट बनता है सबसे पहला सेक्शन या कोई भी रूल्स अगर नए बनते हैं तो सबसे पहला रूल क्या होता है उस रूल का नाम एक्सटेंट हाँ है ना भाई सर सर नेम एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी या नो सर तो सबसे पहला सेक्शन नंबर वन सी जी एस टी बोलता है क्या सर इस एक्ट का नाम क्या होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 क्लियर इट्स सेल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड सर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब जीएसटी आया था तब तो आर्टिकल नंबर थ्री सेवन जीरो था ना भाई दो हजार सत्रह के अंदर क्लियर तो एक्ट में तो अभी भी लिखा है पर सुनो ध्यान से फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन को जब सी जी एस टी एक्ट बना था सर उसमें लिखा था क्या दिस एक्ट शेल अप्लाई टू एंटायर कंट्री इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ना सर मिनट yes. पर सिंस दिस टैक्स टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन और जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है तो सर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलता जीएसटी का बेटा फिर क्लियर तो सर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन गई वो अगर जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करते मोदी जी की बात नहीं मानते तो और लॉस में जाते वो लोग इसलिए अल्टीमेटली महबूबा मान गई महबूबा मुफ्ती भाई तुम भी बता नहीं कहा इमोशनल हो रहे हो सर एंड अल्टीमेटली 8 जुलाई को 8th ऑफ जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पास करके अच्छा ये क्यों पास करना पड़ा क्योंकि बिफोर आर्टिकल 370 जब रिमूव हो से पहले क्या लिखा था सर पूरे इंडिया में जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल होंगे बट वहां की स्टेट गवर्नमेंट की पहले कॉन्फ्रेंस उसकी परमिशन उसका अलग से सर

सर सर दिस एक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 सर जब से जीएसटी आया हाँ ना भाई ये सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर टू में डेफिनेशन दी होती सर जो हम जैसे जैसे वक्त आएगा हम पढ़ेंगे सर मैंने चैप्टर वन के एंड में आपको सॉरी डेफिनेशन पूरे एक्ट में जितनी भी है सेक्शन नंबर टू पूरा दे रखा है क्यों हर रेस्पेक्ट टू चैप्टर में मैंने जहां जहां वर्ड काम है वहां तो डिफाइन किया हुआ ही है पर एक कंपाइल करके एक जगह वापस दिया है मान लो कभी आपको कोई डेफिनेशन देखना है तो फटाफट वहां गए और देख लिया सर ओके okay, और कभी भी डेफिनेशन कोई वर्ड ढूंढना आपको सर तो जैसे अल्फाबेट है ना मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा सॉर्टिंग होता है अल्फाबेट के नंबर से क्लियर ए बी सी डी के अरेंज में तो वैसे ही डेफिनेशन मिलेगी कोई भी एक्ट हो सर आपके लिए कोई भी रूल्स हो क्लियर तो वहां हम ढूंढ सकते हैं इजिली सर बट ठीक है वो रेफरेंस के लिए मैंने दिया आपको ओके okay, सर सर बाकी सेक्शन की बात बाद में करूंगा पर सर सबसे पहला सेक्शन नंबर नाइन बताए सर कोई भी टैक्स कोई भी टैक्स अगर लगेगा भले वो इनकम टैक्स हो जीएसटी हो सी जी हो आई जी हो यू जीएसटी हो एस जीएसटी हो कोई भी टैक्स अगर लगता है तो सबसे पहला ऑथॉरिटी ऑफ द लॉ चाहिए और ऑथोरिटी ऑफ लॉ मिलती है कहां से चार्जिंग सेक्शन से एंड द चार्जिंग सेक्शन अंडर सेक्शन अंडर सी जी एक्ट इज सेक्शन नंबर नाइन तो शुरू करते कहां से सेक्शन नंबर नाइन से शुरू करें बात बेटा अरे शुरू करें क्या भाई क्लियर तो सर दिल थाम के बैठना भगवान का नाम लेके बैठना क्योंकि सर अब शुरू हो रहा है आपके लिए क्या सी जी एस टी एक्ट सेक्शन नंबर नाइन देखिए अच्छा अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है कुछ भी कॉपी नहीं करना है आपको कल ध्यान सुनना है एंड एवरीथिंग शुड बी सर आपके पूरे दिल तक पहुंचनी चाहिए सर बात एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद योर माइंड एंड हार्ट सेक्शन नंबर नाइन ओके सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन ध्यान देना भाई पता क्या लिखा है पता क्या लिखा है देखना ध्यान से सर सी जी एस टी शैल लेविड सी जी एस टी शैल बी लैविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई क्या बोला मालिक क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर सी जी एस टी शेल इंट्रास्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विस और सर्विस और बहुत लिखा है वैसे आपको सर दो तीन लेक्चर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब कुछ भी नहीं है सर प्रैक्टिकली का रिलेवेंस नहीं है बट टू बी ऑन अ सेफर साइड गवर्नमेंट ने सर बोथ भी लिखा है सर क्योंकि नया एक्ट बना है और अगर कोई भी सप्लाई टैक्सीबिलिटी के स्कोप से निकल गया लेवी के स्कोप से निकल गया तो टैक्स कभी लगेगा नहीं सर उस पर इसलिए क्या किया है सर और बहुत लिखा है अदरवाइज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सर आपको समझ मान जाएगा कि बोथ का रिलेवेंस अभी नहीं है सर ओके सी जे सी शेल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट दारू बेवड़ो सर ओके okay. सर एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अच्छा अल्कोहल लिकर के अदर यूज भी है सर अल्कोहल लिकर इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है पता होगा ना सर आपको तो अरे हाँ है ना सर दवाई बनती है सर अरे ऐसे नो हाँ, देखो सर बहुत सारे लोग लिए दारू दवाई बेटा सर <laughs> तो सर एल्कोलिकल मेडिसिन बनती है परफ्यूम बनते हैं बहुत सारी चीजें बनती है सर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है क्लियर उस पर एक्साइज उस पर सर जीएसटी नहीं लगाया पता है क्यों सर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर बिफोर जीएसटी स्टेट एक्साइज जो लगता था क्या लगता था बेटा मतलब एक्साइज वॉज दी रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इनकेस एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजन सेकेंड सर इस वेट लगता था सेल करने पर रेवन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मतलब दारू पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेवन्यू नहीं था और अगर इसको जीएसटी में इंट्रोड्यूस कर देते तो क्या होता सर रेवेन्यू डिवाइड हुई थी सेंट्रल और स्टेट में और सर स्टेट गवर्नमेंट डो नोट वॉन्ट टू तो लूज देर रेवेन्यू और इस पर हैवी रेवेन्यू होता है सर पता होगा ना सर आपको तो खेर हाँ बहुत अच्छा बेटा सर सुनना <laughs> तो सर ध्यान समझना सर अभी भी सर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जब जीएसटी आ रहा था कि वी डोंट वांट टू लूज आर रेवेन्यू और इस पर हैवी टैक्सेस थे क्लियर और सर जीएसटी के अंदर एक लिमिटेड रेट uh, से ही टैक्स लगता है सर हम बताएंगे बात करेंगे हम मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी के बेटा क्लियर बात करेंगे बिल्कुल आप क्लियर जबकि दारू पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ टैक्स है बहुत ज्यादा रेट से टैक्स लगता है बच्चों ओके सर ध्यान देना मेरी तरफ मेरी तरफ ध्यान दो आप ओके सर एल लिकर फॉर ह्यूमन कंजन क्या बोला मालिक एल लिकर फॉर ह्यूमन कंजन इज आउट ऑफ द स्कीम ऑफ जीएसटी इस पर अभी भी क्या लगता है साहब स्टेट एक्साइज ड्यूटी इस इसपे अभी भी क्या लगता है सर सर वेट सेल्स टैक्स क्लियर इस पर अभी जीएसटी नहीं लगता अच्छा अब सुनना बच्चों जब जीएसटी नया नया आया था तब एक लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हमने कोई काम किया था सर एडवाइजरी दी थी अब समझना क्या है सर केवल जीएसटी नहीं है अब सर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पर जीएसटी नहीं लगता केवल स्टोरी इतनी नहीं सर अब सुनना भाई दारू पे जीएसटी नहीं है पर सर दारू जिन मशीन से बनती है अदर इनपुट जो काम आ रहे हैं उन सब तो जीएसटी है अब सर आपको पता दस का क्रेडिट क्यों मिला ऐसे मैं कल वापस वापस पढ़ा दूंगा सर दस ग्रेड की मिला याद है कि नहीं सर अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं है अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता इनवर्ड सप्लाई पे अगर जीएसटी लगाए परचेस पे जीएसटी पे क्या इनपुट्स पे कैपिटल गुड्स पे इनपुट सर्विसेज पे आज सर एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने या डीलर्स ने मार्केटिंग सर्विसेज ली एडवर्टीजमेंट सर्विज ली सर कंसल्टेंट सर्विस ली चार्ट अकाउंटेंट की सर्विस ली आप मुझे बताओ उन्होंने क्या पे किया होगा जीएसटी पे किया होगा सर एक रुपए का भी आई टी सी नहीं मिलेगा यू गेटिंग माई पॉइंट जितने कैपिटल गुड्स परचेज होंगे जितने इनपुट परचेज किए होंगे उन पे अगर जीएसटी पे किया एक रुपए का भी आई टी सी नहीं मिलने वाला आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट मतलब केवल ऐसा नहीं पड़ने का कि एल्कोहल लिकर पर जीएसटी नहीं है पर सर इसका इफेक्ट देखो आप कितना भारी हो गया सर मतलब दारू और महंगी हो गई सर ये देखो सर लोग बोल रहे हैं <laughs> सर ओके तो सर मतलब अगर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लग रहा तो सर केवल इस पर जीएसटी नहीं लग रहा इतना नहीं है सर इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई क्यों क्योंकि इनपुट्स इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स जुबिन में काम आए उन उनपे तो जीएसटी है सर उनका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा और सेल पर जो सेल्स टैक्स और स्टेट था वो तो लगेगा ही लगेगा सर हाँ ना भाई क्लियर ओके तो सर सी जीएसटी शेल बी लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई वोट ऑल दुड्स ऑफ बहुत एक्सेप्ट एलको लिकर फॉर ह्यूमन कंजन देखना ध्यान से सर एक्सेप्ट दारू क्लियर एल्लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन में यहाँ ध्यान रहेगा दारू तो क्या आपका इंटरेस्ट बना रहता है सर इसलिए लिखा था सर एक्सेप्ट एलको लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन एट दी रेट विच विल बी नोटिफाइड अच्छा, भाई, भाई, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट कर दे तो मामला सही होगा क्या सर नहीं सारे स्टेट का भी कांग्रेस चाहिए मतलब थ्रू जीएसटी काउंसिल होना चाहिए इसको हा है ना इसलिए जहां पे भी आपको पूरे जीएसटी के अंदर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट पावर ऑफ दी गवर्नमेंट के दिख जाएगा तो वहां पे साथ में लिखा होगा क्या डेफिनेटली लिखा होगा ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल सो एट दोटिफाइड बाई दवर्मेंट ऑन दिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी काउंसिल समझ मारा बेटा पॉइंट अरे हा भाई एट द रेट विच विल नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल बट बट द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी मैक्सिमम रेट ऑफ सी जी एस टी कैन बी कितना ट्वेंटी परसेंट भाई ये सी जी एस टी है क्या है सर ये सी जी एस टी तो सी जी एस टी कैन भी मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट मतलब टोटल जीएसटी कैनवी मैक्सिमम फोर्टी परसेंट क्लियर और यही जब हम आई एक्ट पढ़ेंगे तो आई जी एस टी एक्ट में जगह क्या मिलेगा सर फोर्टी मिलेगा बहुत बढ़िया वेरी गुड सी जीएसटीड बाई गेंड ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड सर मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट अब सर ये जो जीएसटी लगेगा किस पर लगेगा इटव ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगेगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर फिफ्टीन में वन फाइव चैप्टर नंबर फोर के अंदर बेटा क्लियर एंड बहुत ही खास बात एंड इट शेल बी पेबल अ दिल थाम के देखना क्या लिखा है एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन एक मिनट सर मैक्सिम रेट ऑफ जीएसटी सुनना बच्चों ध्यान से बहुत ही खास बात अच्छा यहां तक एक एक बोर्ड समझ में आया बेटा आपको इट शैल बी पेबल ये क्या होता है सर द टर्म टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड अंडर जीएसटी और टैक्सेबल पर्सन का मतलब पता है क्या है सर अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक मिनट अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्सेबल पर्सन हो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो बट यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब आप पे जीएसटी की लाइबिलिटी है यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया होशियारी तो भी छोड़ेंगे नहीं आपको यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो गया भाई सर अच्छा वापस सुनना समझ ना ध्यान से अरे भारी पॉइंट <coughs> सर ये वाला मिनट लगेगा केवल इट शैल बी पेबल टैक्सेबल पर्सन मेरी बात को समझने की कोशिश करना सर सर इट शैल बी पेबल टैक्सेबल पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन पर्सन मतलब अ हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अब इस बात पे तो सोच लो आप ये सोचा ही नहीं हमने अ पर्सन हु इज मान लो सर क्या नाम उज्वल सरकार ही वाज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन

क्या था कितना टू लाख रुपये मान लो पर आपने कहा नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते जीएसटी में अच्छा लगेगा सर और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं सर सर वो छोड़ो अभी आप आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला जैसे ही आप सप्लाई करेंगे ऑल दो आपका टर्न आउटी लाख क्रॉस नहीं हुआ है फिर भी जो भी आप सप्लाई करेंगे सब पे टैक्स लगेगा सर क्योंकि यू आर अ टैक्सेबल पर्सन इसलिए आपने सुना होगा वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन वॉलंट्री रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ता है रीजन इज दैट समझे मेरी बात सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं हुआ करता था अरे हा है ना भाई एक्साइज में ऐसा नहीं हुआ करता था ओके पर यहां पर वर्ड समझ मारा टैक्सेबल पर्सन का मतलब सर हाँ है ना भाई क्लियर पर सर सेकंड थिंग अब देखो आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे आपने करा दिया, you are a person. आप liable for registration नहीं थे, के लिए किया, तो भी मतलब छोड़ेंगे नहीं सर टैक्स तो लेंगे आप रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ टैक्स तो लेंगे बिकॉज आप टैक्सेबल पर्सन हो और सर लेवी के स्कोप में आ गए आप है हाँ ना सर ओके okay, वैसे हम इस टॉपिक को टेक्सल पर्सन को और आगे जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा तब डिटेल में और बात करेंगे पर अभी समझ में आया कि नहीं जितना रिलेवेंट था मैंने बताया आपको है हाँ ना भाई ओके सर सी जी एस बी लेविड ऑन सप्लाई सप्लायट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन एट द रेट नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट मैक्सिम रेट ऑफ जे कैन बी ट्वेंटी परसेंट दिस रेट ऑफ टैक्स विल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इट शेल बी पेबल बाय टैक्स अबाल क्लियर बाबलियर माहौल सर सर अब एक वर्ड का मीनिंग मेरे को समझना आपसे सी जे शेल बी लेवेड वोट डू मीन बावी हा सर लेवी सर लेवी का मतलब क्या होता है सर चार्ज होना वेरी गुड लेवी मतलब चार्ज होना इम्पोज होना हा है ना सर टैक्स इंपोज हो रहा है टैक्स लग रहा है हा है ना ऐसा कौन सा काम आप हिंदुस्तान में कर रहे हो ऐसा कौन सा एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये टैक्स लग रहा है आवाज नहीं रही सर का लिखा है सप्लाई का लिखा है सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन में लिखा है सर यू टेल मी जीएसटी कब लग रहा है लेवी कब हो रहा है लग कब रहा है सप्लाई पर हाँ ठीक है सी जी एस टी और ए जी एस टी इंटरस्टेट पर लग रहा है आई जी एस टी इंटरस्टेट सप्लाई पर लगेगा पर अल्टीमेटली कब लगेगा सर सप्लाई पे क्लियर समझे मतलब मेरी बात मतलब ये हो गया सर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी टेक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज आवाज रही ये सप्लाई टेक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है ऐसा कौन सा एक्टिविटी जिसके होने पे टैक्स लग रहा है ऐसा कौन सा वो इवेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच दिस टैक्स इज बिंग लेवेड ऐसा इवेंट जिसके होने पर टैक्स लग रहा है टैक्स एबल हो रहा है that event is called taxable. Taxable event, और वो इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई कुछ समझ में आ रहा है कि पक्का व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज मैन्युफेक्चर ऑफ द गुड वेरी गुड सर व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर सेल्स टैक्स वेट सेल ऑफ गुड्स सर वॉट इज द टैक्सेबल इवेंटर इवेंट अंडर कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ना भाई मतलब आपको टैक्सीबल इवेंट का मतलब समझ में आ गया सर समझो मेरी बात को सर आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं आप पढ़ने का अप्रोच समझिए सर सर मैंने आपको ये नहीं बोला कि टैक्सीबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई हमने डिराइव किया है आपने और हमने बात करते करते समझाया कि टैक्सीबल इवेंट क्या होता है अब आप देखो मैंने तो एक चीज पढ़ाई बाकी सब तो आपने बताया ना मुझे यार मैंने कल बोला था You are into final level. आपका दिमाग इतना है सर आपको कोई डायरेक्शन में दे दू। उस तो काम आपका हो जाएगा वैसे भी सर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है, देखो सर। अरे क्लियर सर इसलिए चीजों को समझो याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप चीजों को समझ के पढ़ते हो कॉन्सेप्टी पढ़ते हो इनडेप पढ़ते हो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हो तो सर हंड्रेड परसेंट आपका अल्टीमेट टाइम जो पूरे कोर्स के अंदर लगता है वो कम लगेगा सर अभी देखो ना आप आपने तो एक चीज पढ़ी हाँ ठीक है इसको पढ़ने में हमने क्या किया दो मिनट एक्स्ट्रा दिए पर आगे के दस मिनट बच गए सर अपने समझे आप मेरी बात टैक्सेबल इवेंट का मुझे समझाना नहीं पड़ेगा आपको समझ में आ गया है सर अभी हर एक्ट के अंदर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा सर आपको टैक्सेबल इवेंट क्या होता है आपको अपने आप समझ में आ गया और हा जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है सर ये कहा लिखा है मैंने बताया क्या आपको सर आपने बताया मुझे क्योंकि ये कहा लिखा है ये जीएसटी चार्ज होगा सर कब होगा सप्लाई होने पे होगा ये कहा लिखा है इसलिए सेक्शन नाइन को बोलते हैं क्या चार्जिंग सेक्शन ये वो सेक्शन है जिसके होने की वजह से ये टैक्स चार्ज हो रहा है चार्जेबिलिटी कब होगा ये लिखा है सेक्शन नाइन सबसे हर टैक्स केक्शन में हर सेक्शन uh, हर टैक्स के सर आप एक्ट में देखना एक ना एक सेक्शन चार्जिंग सेक्शन जरूर होगा जिसकी वजह से पता पड़ेगा कि कौन से इवेंट पे टैक्स लगता है बच्चों क्लियर मालिक पका ओके okay. सर ये था आपका सेक्शन नाइन सब सेक्शन वन टैक्सेबल इवेंट आपको समझ में आया सर हाँ है ना भाई अच्छा यहाँ पे सेक्शन नाइन सब सेक्शन वन के स्टार्टिंग में लिखा है क्या बैर के अंदर सब्जेक्ट टू सब सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन टू में भी कुछ बातें लिखी है अब सब सेक्शन टू में क्या बात लिखी है, वो भी देख लेते सर हम सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन टू बोलता है फाइव गुड्स कितनी बेटा ओ सर सर पांच गुड्स पेट्रोल डीजल वगैरह बेटा हा है ना सर उसके लिए सेक्शन नाइन सब सेक्शन टू ने बोला ये पांच गुड्स पेट्रोल डीजल वगैरह बताता हूं मैं आपको सर टेक्निकल नाम क्या है ए, एक मिनट पहले समझ लो पॉइंट क्या है ये पांच गुड्स ऐसी है पेट्रोल डीजल वगैरह जिन पे जीएसटी लगेगा बट अभी नहीं गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल एक डेट नोटिफाई करेगा तब से लगेगा पर अब तक नोटिफाई नहीं हुई है मतलब अभी भी ये पांच गुड ऐसी जिसपे जीएसटी नहीं लगता मतलब पांच तो ये और एक दारू अरे ना पेट्रोल डीजल या तो घूम लो या झूम लो क्लियर दोनों पे जीएसटी नहीं है। ना भाई अरे क्लियर समझे मेरी बात तो सर पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल जिसको डीजल बोलते हैं नॉर्मल कोर्स में सर मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं नॉर्मल कोर्स में क्लियर कॉमन नॉन इज पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट में काम आता है क्लियर एंड नेचुरल गैस आई रिपीट पाचो गुड्स सर अच्छा एलपीजी गैस नहीं बोला है जो घर पे गैस सिलेंडर का मतलब उसकी बात नहीं करूं नेचुरल गैस की बात कर रहा करूं आपसे ओके सर पांच गुड्स पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल सर एवं फ्यूल और नेचुरल गैस ये पांच गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल अभी नहीं लगेगा सर क्लियर तो ये छह गुड्स हो गए सर एक तरह से व्हिच आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई व्हिच आर ये वो सप्लाई जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं लेवी ही नहीं होता है एग्जाम नहीं है लेवी नहीं होता है समझ रहे मेरी बात क्लियर सरकार कुछ समझ में आ रहा है तो सर घूम लो झूम लो इन दोनों पे भी जीएसटी नहीं है क्लियर आइए सर सेक्शन नंबर सब सेक्शन थ्री की तरफ बात करते हैं सर हम सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन थ्री अच्छा एक चीज बताओ ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा कोई डाउट आपको बेटा ओके मेरे को भी नहीं सर इधर इधर सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता बेटा कि सप्लायर जो गुड्स सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो कस्टमर से टैक्स लेगा हूं हूं रे और गवर्नमेंट को पे करेगा कौन पे करेगा कौन पे करेगा सप्लायर पे करेगा सर पर कुछ केसेस में सिस्टम को रिवर्स कर दिया और वहां कौन लायबल है रेसिपेंट को बोल दिया भाई साहब हम सप्लायर से नहीं लेंगे ना हो पाएगा तुम रेसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना क्लियर उसको बोलते हैं क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओके उसका पावर कहां से आया वो देखिए सेक्शन नाइन सब सेक्शन थ्री बोलता है क्या ओ oh भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर क्या लिखा बेटा अच्छा आप एस जीएसटी पढ़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर क्लियर एक मिनट एक मिनट जैसे ही लिख दिया गवर्नमेंट हैज़ द पावर मतलब डेलीगेटेड पावर और जहां पूरे जीएसटी में डेलीगेटेड पावर आ गया वहां पर ऑन द दी जीएसटी तो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं सर ठीक है मालिक गवर्नमेंट एज द पावर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ देखे गुड्स और सर, 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 एक काम और कर सकते हैं मेरे दिमाग में हैं कि जो भी स्लाइड्स में लिख रहा हूँ, जो वीडियो क्लास में उनको तो आराम से लेक्चर के बाद में आप क्लिक कर लीजिएगा क्लियर और जो यहाँ है उनको प्रोजेक्टर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है पीछे से क्लिक करने पर क्योंकि पीछे से कल मेरी फोटो दिख रही बेटा कल तो है ना सर <laughs> तो वट आई डू ये स्क्रीन का मैं ही क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के लिए ये देखो सर सर आप ऐसी बात है सर एग्जाम भी आप दे दो सर एक बार प्लीज सर ओके ठीक है तो आप अगर केवल नोट करने के लिए कॉपी कर रहे हो तो अभी मत करिए सर आपकी आदत तो है लिखने की लिखिए वो कोई दिक्कत नहीं सर क्लियर अदरवाइज आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए सर ओके okay, ऐसा नहीं कि मैं पहुंच गया गाऊँ थर्ड लाइन पे आप लिख रहे हो फर्स्ट लाइन बेटा क्लियर वहां पे क्या हो रहा है आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है सर दैनिक नोट्स तो आपके पास मिल जाएंगे पर सर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना सर वो दिमाग में उसी टाइम पहुंचनी से जब मैं बोल रहा हूँ आपको विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर ओके okay? सर ये एप्पल वॉच को बिलीव ही नहीं हो रहा कि अपनी सुबह सुबह सात बजे हो जाती है सर आजकल सर ये सोच रहा है कि रात को ही पता नहीं ऐसा ऐसा कर रहा होगा नींद में सर क्या बोला रहे मेरे को भी समझ में तो आना चाहिए क्या झूमरा होगा <laughs> सर मैंने कल भी आपसे कहा था चढ़ती शराब से नहीं है माहौल से सर माहौल सर इसको समझ नहीं आता बात पर सर पॉइंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू नोटिफाई मतलब ऑन दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ देखे नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बहुत और नोटिफाई करके बोल देंगे कि इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज और बहुत में रेसिपिएंट शेल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट Directly under reverse charge mechanism. End. 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 All the provisions of the Act will apply. All the provisions of the Act. shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay gst full stop sir all the provisions of the act shall apply on the recipient as if

पर सर हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो केवल लिस्ट ऑफ सर्विसेज ही हमारे सिलेबस में आती है क्लियर वो लिस्ट ऑफ गुड्स जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है वो हमारे सिलेबस में नहीं आता बट इट डज नॉट वहां रिवर्स चार्ज नहीं है हमारे सिलेबस में क्या आता है लिस्ट ऑफ सर्विसेज लिस्ट ऑफ गुड्स नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स पर रिवर्स चार्ज नहीं है सर गुड्स में रिवर्स चार्ज है बेटा क्लियर ओके okay, अब सर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि आखिर आखिर आरसीएम क्यों मजा आ रहा है क्या गवर्नमेंट को कॉम्प्लीकेट कर दो सिस्टम को कहीं पे सप्लायर लायबल कहीं पे रेसिप लायबल दिमाग खराब ताकि लोगों को चार्टर अकाउंटेंट के पास जाना ही पड़े ऐसा हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी <coughs> अगर आप टैक्स प्लानिंग सीख जाओ ना सर तो ये छोटी मोटी बातें सो, सोचना बंद कर दोगे सर आप सर समझना ध्यान से मस्त पॉइंट है अब सर कुछ तो कर रहे होंगे और ये कोई जीएसटी आने के बाद नए पॉइंट नहीं है मोर लेस मैक्सिमम पॉइंट वही है जो सर्विस टैक्स में भी थे सर ओके okay? उन सर्विसेज पे रिवर्स सर्विस टैक्स टाइम पे भी था सर और कब से भी था ओके ठीक है कुछ अमेंडमेंट किए होंगे कुछ चेंजेस किए होंगे अलग बात है सर पर क्या लॉजिक रहा होगा एक दो एग्जाम्पल ले गया सर हम आवाज अच्छे से ले ले गया सर, सर एग्जाम्पल ओके okay. बहुत बढ़िया कौन गिरा बेटा सर मान लो हाँ हाँ मैंने कहा माहौल बन रहा है धीरे धीरे सर आउट ऑफ इंडिया से आउट ऑफ इंडिया से मान लो आपने कोई सर्विसेज इंडिया में बेटा है की बात नहीं कर रहा हूं देखो गुड्स इंपोर्ट करने पे क्या लगता है कस्टम्स और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है बात करेंगे बाद में पर मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा मैं तो बात करूं किसकी सर्विसेज की वैल्यू ऑफ सर्विसेज कितना बेटा टेन लेख मान लो आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज दी थी किसने मिस्टर डॉन मिस्टर डॉन ने सर्विसेज दी आउट ऑफ इंडिया से किसको मिस्टर कौन को डॉन ने सर्विसेज दी कौन को कहा से आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में क्लियर और सर सर्विसेज इंपोर्ट करने पे आईजीएस लगता है बेटा ठीक है अभी समझ लो क्यों लगता है कैसे लगता है, लगता है वो बात करेंगे बाद में सर मान लो रेट ऑफ टैक्स है कितना हो गया बेटा टोटल इलेवन एटी बेटा हाँ करोड़े सर अब सोचो ध्यान से सप्लायर ऑफ सर्विस इज मिस्टर डॉन विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड रेसिपेंट ऑफ सर्विस इज मिस्टर कॉन इंडिया अब सोचो ध्यान से सप्लायर ऑफ सर्विस ने अगर बिल पर जीएसटी लगाया होता 180 टोटल हो गया 1180 और मिस्टर कौन ने डॉन को पूरा 1180 अगर पे कर दिया होता डॉन का है क्या आपको लगता है डॉन हिंदुस्तान में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी रुपीज वन पे करेगा रिटर्न फाइल करेगा क्या आपको लगता है क्या जीएसटी डॉन पे करेगा आवाज नहीं आ रही हो आप अगर जीएसटी डॉन नहीं पे करेगा क्या गवर्नमेंट उसको पकड़ पाएगी क्यों क्योंकि धन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है।, है ना बेटा मतलब आप सर डॉन का है भाई क्या गवर्नमेंट उससे रिकवरी कर पाएगी इंडिया वालों से नहीं हो पा रही सर रिकवरी आउट ऑफ इंडिया सर जब गवर्नमेंट का टेरिटरी नहीं है हा है ना सर दिस एक्ट शल अप्लाई टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर नाउ हा ना भाई आउट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल कर पाई गवर्नमेंट क्लियर इसलिए सर यहां पे क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और यहां बोल दिया क्या सर कौन लाइबलों का टैक्स पे करने के लिए oh. बताता रहा हूं मैं आपको कौन लाइव होगा टैक्स पे करने के लिए सर पूछा नहीं मैंने आपसे बताया है कौन लाइव होगा टैक्स पे करने के लिए आ, सर मतलब 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 सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और वहां बोल दिया क्या जब मिस्टर कौन डॉन को टैक्स पे करेगा डॉन को पे करेगा पेमेंट करेगा तब केवल टेन लेख ही पे करेगा भाई हा है ना और जब मिस्टर कौन वन एटी पे करेगा डायरेक्टली किसको पे करेगा भाई गवर्नमेंट को पे करेगा सर क्लियर ही विल नॉट पे द टैक्स टू दी डॉन बिकॉज ही इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई में है तो वहां पर रिवर्स चार्ज लगाया और वहां रेसिपेंट लाइवल होगा टैक्स पे करने के लिए टू दी गवर्नमेंट बेटा है ना भाई लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर yeah. चलिए एक और एग्जाम्पल बेटा चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं तो दिमाग खराब हो जाएगा सर आपका बैंकिंग कंपनीज वगैरह रिकवरी एजेंट अपॉइंट करती है सर अरे भाई लोन अकाउंट वगैरह सर अगर पेमेंट नहीं दे रहे हो तो लोग क्या अपॉइंट करते सर रिकवरी एजेंट वसूली भाई अब वसूली भाई जितना वसूली करेंगे उसका एक परसेंटेज कमीशन को देता है बैंक मैंने क्या कहा कल हाँ हाँ नहीं कर पा, तो हूं हूं तो करना ही पड़ेगा सर हम्म सर और वीडियो क्लास में अगर आप बैठे हो ना सर आप लेक्चर देख रहे हो गूगल ड्राइव पे भले ऐसे सोते हुए देख रहे हो बेटा क्लियर ऐसे कोई तो टेबल पे पेर रखे बैठा है सर आपको भी बोलना है ध्यान रखना बैठो कैसे आवाज आनी चाहिए सर आपकी भी क्लियर सर और मैं देख रहा हूँ देख रहा हूं ऊपर वाले जरूर देख रहा है बेटा क्लियर और ध्यान देना वहां से आप नहीं बच सकते सर पॉइंट मेरा आपसे ये है रिकवरी एजेंट रिकवरी एजेंट्स अब आप मुझे बताओ रिकवरी एजेंट अपना कमीशन चार्ज करेंगे किससे बैंक से तो रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक रिकवरी एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बैंक, यू टेल मी रिकवरी एजेंट इज सर्विस सप्लायर बैंक इज द रेसिपेंट अब उस कमीशन पर जीएसटी लगता है बेटा सोचो अगर रिकवरी एजेंट कमीशन पर जीएसटी लगा दे बैंक से ले ले क्लियर क्या आपको लगता है वसूली भाई जो दुनिया से वसूल कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट ऑफिसर उनसे वसूल कर पाएंगे सर आपको लगता है वो वसूली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे टैक्स पे करेंगे नहीं दो सर वो टैक्स पे नहीं किया उन्होंने तो दो ऑफिसर टैक्स रिकवरी करने गए बेटा आए नहीं वापस बेटा सर <laughs> गवर्नमेंट बोला भाई हमसे ना हो पाएगा और उन्होंने बैंकिंग कंपनी बोल दिया भाई सर रिवर्स चार्ज मैकेजम लगेगा और तुम उनको केवल कमीशन का अमाउंट पे करना जीएसटी का अमाउंट उनको पे मत करना हम आपसे ले लेंगे सर उनसे ना हो पाएगा क्लियर तो दीज आर दी रीजन बिहाइंड इट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सर इंश्योरेंस एजेंट क्लियर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा अगेन है हाँ ना सर तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीटी सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज है हाँ ना सर बात करेंगे वो डिटेल के अंदर बाद में पर सर ये समझ में आया कि नहीं आया सर पक्का तो सर्विसेज नहीं पढ़ा रहा मैंने रिवर्स चार्ज के लिए अलग से पूरा चैप्टर नंबर आपको अलग से दिया है वहां हम पढ़ेंगे के सारी की आपको का समझ में आया कि नहीं आया सर आपको। yes, क्लियर ये सेक्शन चार्जिंग सेक्शन के अंदर आ, आ रहा था सर इसलिए मैंने आपको सेक्शन पढ़ा दिया शायद आपको समझ में आ गया बच्चों हाँ या ना yes, अरे क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट डन ओके सर सुनो बात उद्यान से सरकार सेक्शन नंबर नाइन सबसेक्शन नंबर फोर अच्छा कुछ गुड्स भी हो रहे हैं कुछ सर्विसेज भी हो रहे पर मैंने आपको गुड्स के लिए तो पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं आपको मैं सर्विसेज मैंने कुछ ही बताइए एग्जांपल के लिए आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों ओके okay? चलिए सर सेक्शन नाइन सबसेक्शन नंबर फोर की तरफ बात करते हम सर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन फोर बोलता है क्या अगेन ओ भाई गवर्नमेंट इज द पावर ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी दे के नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ और ये नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर किसी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन बेटा सर द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशउंसिलेनोटी गुड्स और सर्विसाई करके बोलते नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत अगर रजिस्टर्ड पर्सन है परचेज क्या किससे फ्रॉम एनी अनस्टर्ड पर्सन तो ऐसे केस में बी रेसिपिन कौन है बेटा रजिस्टर्ड पर्सन अच्छा वैसे बता देता हूं आपको एट प्रेजेंट केवल एक ही कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड है वो है प्रमोटर जिसको हम प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं क्या बिल्डर

to the government directly under reverse charge mechanism and all the provisions of the Act shall shall apply on the recipient as if he is the

गवर्नमेंट को वही टैक्स पे करेगा क्लियर पका डन ओके सर सर अब इसमें कौन कौन सी गुड्स नोटिफाइड है मैंने एक एग्जांपल दिया सीमेंट एग्जांपल के लिए बेटा क्लियर सर बाकी हम पढ़ेंगे सेक्शन बाद में जब सर रिवर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब बेटा हा है ना भाई ओके सर पता है अब जस्ट नॉलेज के लिए दो तीन बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये नाइन फोर जो ना बेटा जो भी बहुत ईजी लग रहा है ना सर जब जीएसटी नया नया आया था ना मालिक सब लोगों की बैंड बज गई थी इस सेक्शन से सर क्यों पता है जस्ट नॉलेज के बता रहा हूँ अभी काम का नहीं है पर थोड़ा पता तो होना चाहिए ना सर अपने लाइफ में क्या हो रहा है आखिर जब सेक्शन 94 नया जब नया जब जीएसटी नया नया आया था सेक्शन 94 में पता है क्या था सर कोई नोटिफाइड नहीं बस ये लिखा था अब पढ़ना बेटा क्या लिखा था पहले बेटा सर ये पावर और हटाओ सर सारी सर्विसेस सारी गुड्स अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने किससे परचेज किया तो लग गए क्या लग गए बेटा जीएसटी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा टू गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम सुन बेटा अब इसका इंप्लीकेशन समझ सर मैं बिग कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा छोटे बिजनेसमैन की बात कर रहा मैं आपसे दुकान वाला सामने चाय मंगाई बेटा किसे? सामने चाय वाला आप ब्रेक में जाते हो बेटा है ना आज तो होगा नहीं ब्रेक पॉइंट मेरा आपसे ये है सर ऐसा धीरे धीरे बोलने से क्या बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है लोगों को सर वो चाय वाला क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा अच्छा आपको कैसे पता वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है नहीं आपको पता है उसका टर्नओवर कितना है सर पर लग जाता है सर देख के लग जाता है ना सर हाँ ठीक है सर ओके मान लो वो चाय वाला जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है अब सामने दुकान वाले ने चाय मंगाई बेटा और वो बिजनेस का खर्चा क्लेम करता है बेटा अरे हर मंथ में और ईअर इन भी बहुत सारे लोगों के खर्चे बुक होते ना बेटा जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में हाँ है ना भाई सर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कभी वेलफेयर किया नहीं फिर भी क्लियर होता ना लास्ट में एडजस्टमेंट सारे सर अरे हाँ है ना सर मैं तो सर हूँ कह रहा हूँ एडजस्टमेंट छोड़ो सर मंथ में सर वो चाय के खर्चे जो भी हो रहे हैं किससे हो रहे हैं बेटा सर रजिस्टर्ड पर कैश में हो रहा है बेटा सर रेसिपेंट कौन है रजिस्टर्ड पर्सन दुकान वाला बेटा सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा उस पर में टैक्स पे करो बेटा आप सोचो ध्यान से सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप मैने फिक्षिन्ग, मैने फिक्षिन्ग तो ट्रेडर इन, इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट मतलब है, है या तो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए उन पे जीएसटी उसने लगा दिया होगा और उसने अगर रजिस्टर्ड से नहीं परचेज किया तो मतलब अपने अब हालत सोचना उस दुकान वाले की सर टैक्स पे करना पे ऑब्लिगेशन सर उस सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स कितनी बेटा भाई चाय पे रेट ऑफ टैक्स क्या है उस दुकान वाले क्या पता बेटा आप सोचो ध्यान से उसने स्टेशनरी परचेज करी अंदर स्टेशन से बेटा साइड में रोड साइड से होता है ना सर कई सारे लोग खरीदते सर, लो सर? बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया उस स्टेशनरी पे रिवर्स टैक्स पे करो साहब मतलब एक एक एक्सपेंस एक और वो भी बेस पे सर मतलब आप उस दुकान वाली हालत समझिए उसने कोई भी खर्चा अगर से किया है तो सर उस पे केवल टैक्स पे ही नहीं करना। किस रेट से गुड्स टैक्सेबल है कि नहीं ये सर किस रेट से पे करना। उसके किया है ये निकालना और पता है सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है सर रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है और उसने टैक्स इन्वेस इशू नहीं किया पड़ता है बेटा इसमें मतलब एक काम करेगा दुकान बंद तो बंद करेगा बेटा पहले तो और फिर वो जीएसटी पे करने जाएगा बेटा हाँ है ना भाई क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल था ये इसीलिए सर बीच में एक अमेंडमेंट किया उसमें एक मॉनिटरी लिमिट लगाई फिर सेक्शन को डिलीट कर दिया इन इ, 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 अ, इन एप्लीकेबल कर दिया बेटा दिसंबर दो हजार में अक्टूबर दो में सर जुलाई में जीएसटी आया बेटा अक्टूबर में एक मॉनिटरी लिमिट लगाई सर और उसको इन एप्लीकेबल कर दिया बेटा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर दो के अंदर अमेंडमेंट करके बोला क्या कि नाउ इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ सर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और वहां पे रजिस्ट्रेशन वहां पे नोटिफाई किया किसको केल बिल्डर को बेटा बात समझ में आ रही है यार ये सेक्शन भयंकर था सर जब जीएसटी नया नया आया बेटा अरे कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई ये कब से एप्लीकेबल नहीं हुआ बेटा कब से इनएप्लीकेबल हुआ बेटा ये आवाज नहीं आ रही ओए अक्टूबर 2018 से ही 17 से ही बेटा अब एक और चल बात याद आ गई तो एक बहुत बता देता हूँ मैं आपको अब ये क्यों बताता हूँ मैं आपको बातें सर कैसे काम आती है बातें <coughs> मेरा छोटा ब्रदर रोहित मेरे पापा के जीएसटी रिटर्न वो फाइल करता है अब सर बात को समझना उसके रिटर्न फाइलिंग में कुछ एक एरर हो गया था किसी मंथ में

अरे तुम सीए नहीं मेरे तब तो तक मेरे नोटिस नहीं तुम सीए में नोटिस मेरे को आ रहे पहले काम अच्छा होता था मेरा ऐसे चलो तो साहब रोहित ने बोला टेंशन मतलब पापा हो जाएगा काम ठीक है अब वो ऑडिटर आए आप समझना सर और अब पापा का बिजनेस अच्छा हम कोई पापा का जो बिजनेस है वो एक लिमिटेड लेवल पर है सर और एक उदयपुर भी नहीं उदयपुर के पास में एक टाउन है फतेह नगर जहां की पॉपुलेशन पंद्रह हजार है सर वहां से मैं बिलोंग करता हूँ अब सर वहाँ ऑडिट टीम आई ऑडिट टीम मतलब दो लोग आए सर सर अब समझना उनको भाई साहब एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट देना है अब रोहित सर कल तो आपने से तो ना हो पाता है उसने रोहित ने कार वार लाके और सब लिया है सब उनको हमारे ऑफिस लिया है पापा के ऑफिस मैं भी आ गया का तुर को भी आया रहना है बस उनका ठीक है सब अब सर सुनना ध्यान से वो छोटे से टाउन में जिसकी पॉपुलेशन पंद्रह हजार है जा, वहां पे वो ऑफिसर है क्या बोल रहा है साहब उसको कोई पॉइंट मिला ही नहीं वो तो एक रिटर्न में एरर था वो रेक्टिफाई भी कर दिया और कोई हेड था नहीं पर उनको कुछ ना कुछ पॉइंट निकालना सर दूर से आया सर चार सौ किलोमीटर दूर से ऑडिट करने बेटा सर अब क्या करें तो कुछ मिला नहीं अब वो ऑडिटर भी जो था ना सर उसकी एज होगी लगभग लगभग फिफ्टी टू ईयर्स के आसपास कुछ पचास बावन साल की होगी कुछ सर और एक उसका जूनियर था साथ में बोलता सर आपने वो रिवर्स का टैक्स तो पे किया नहीं ये बात करो मैं दो की शायद टू थाउजेंड में था मोस्टली ऑडिट का टाइम मैं पास बैठा था मैंने कहा कौन सा रिवर्स बोला ये देखो आपके खर्चे रिवर्स सेक्शन वन नाइन फोर उसको नहीं पता था मैं कौन हूं सर आप समझना हालत सर डिपार्टमेंट की सर ये हालत है सर एक्चुअली मैं तो सबको बोलता हूँ मैंने कहा कौन सा सेक्शन नाइन फोर बोला पता नहीं पड़ता कि और अनरजिस्टर्ड परचेज किया आपने मैंने कहा अच्छा क्या लिखा उसके अंदर सर बोला अगर आपने अनरजिस्टर्ड परचेज किया है टैक्स वाल सप्लाई है आप रजिस्टर्ड पर्सन हो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा मैंने कहा कब पढ़ा आपने ये बोला आप क्या कैसी बात करते हो ऑडिटर से आपको समझ नहीं आता मैंने कहा आपको क्या पढ़ाई नहीं करते डिपार्टमेंट वाले क्या बिल्कुल बेवकूफ हो गया आप लोग मतलब आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है क्या आपके बॉस को फ़ोन लगाओ एक बार पहले तो आप तो बोले क्या मैंने कहा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं आपको बिल्कुल भी सर और एक्चुअल दीज आर द वर्ड्स दिमाग खराब हो गया उनका सर मैंने कहा आप बिल्कुल पागल हो गए क्या तेरह अक्टूबर दो हज़ार तेरह का नोटिफिकेशन आया ये एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन नाइन फोर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या क्या पढ़ के गया आप और ऑडिट कर रहे हो आप आज तो मैं यहाँ बैठा हूँ मैं नहीं बैठा होता तो और इस पंद्रह हज़ार के गाँव की पॉपुलेशन के अंदर जितनी दुकान वाले हैं उनको सेक्शन नाइन फोर पता है क्या सोचो आप किसी और दुकान में जाते हैं, क्या करते हैं लोग वो बेचारा दुकान वाला समझना बात को ध्यान से वो तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर आ जाए तो हाथ जोड़ के बैठता सर वो सर ऐसे हैरेस करते हैं लोग क्यों आते ही नहीं इनको और क्यों क्योंकि हम इनके सामने हाथ जोड़ के बैठते सर एंड एवरीबडी बडी कैन अफोर्ड सी यार आप समझना ध्यान से छोटा सा ऑडिट वाला आया कोई सीए थोड़ा आके बेटे का दुकान पे यार वो तो ठीक है अपनी दुकान थी सर अरे हाँ ना ये हालत है सर इनकी एक्चुअल हालत है सर वीडियो में बोल रहा हूँ यूट्यूब पे भी जाएगा सर आप समझना ये और ये मैं आपको इसलिए बताया कि आपकी नॉलेज होना चाहिए सर ये ऐसे काम आता है मतलब नॉलेज कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा सर सर उसकी हालत खराब होगी आधे घंटे में ऑडिट करता हूँ भाग गया कहा बैंड बजा दूंगा ध्यान रखना अगर ऐसी बात करती और <coughs> मैंने कहा दो बिल पकड़ इसमें पॉइंट लगा दिए कि बिल में वो जी एस नंबर नहीं लिखा हुआ ये नहीं लिखा हुआ चल चलते पांच हजार कहा आधे घंटे ज्यादा बैठ गया अगर तो इधर रिकॉर्ड करके डालूंगा सब तरफ में ध्यान रखना सर मतलब ऐसी हालत खराब है सर इनकी लिटरली खराब है सर लिटरली खराब है सर हालत क्लियर और सर पढ़ते ही नहीं है जरूरत ही नहीं इनको पढ़ने की क्यों इनको पता सामने वाले कुछ भी नहीं आता है सर और आता भी होगा तो इनके सामने डरेगा सर बोल नहीं पाएगा समझे मेरी बात वो तो सर ठीक है हमारे फॉर्म के अंदर सारा काम एक नंबर में होता है और सारा काम हम ट्रांसफर रहे हैं कोई टेक्स चोरी नहीं करते सर क्लियर <laughs> इसलिए <laughs> इसलिए कि किसी डरते नहीं सर हम सर बात समझ में आ रही पर पॉइंट ये है मेरा आपसे कि सर आपको ढंग से पढ़ना क्यों जरूरी समझ में आया सर कौन सा पॉइंट कहा कैसे काम आएगा आपको समझ में आ रहा है सर Clear? That's why. Sir, मतलब केवल आप बुक में लिखा उसको याद नहीं करने का। थोड़ा समझो चीजों को कि करेगा के लिए सर सेमिनार लिए थे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी गया था मैं और सी एनसी की तरफ से भी जगह और सर वहां पे तो सर हर बिजनेसमैन की हलत करा थी सेक्शन फोर के लिए इसलिए तो तेरह अक्टूबर को उठाया सर इसको समझा मेरी बात क्लियर जब जीएसटी नया नया तो एक मोनिटरी लिमिट लगाई इसमें फिर तेरह को दिया सेक्शन को ही क्लियर यू पॉइंट सर रीजन इतना भारी था सर इसका वो ना तो हर बिजनेसमैन परेशान हो जाता है सर और आप देखिए छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो तो ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करते हैं कुछ ना कुछ छोटा मटाया टैक्स बचाने के लिए करते ना सर क्लियर अब उस पर सेक्शन नाइन फोर अगर होता तो सारा खर्चा नाइन फोर का मतलब सर अगर रिवर्स चार्ज होता तो सारा मार्च में टैक्स पे करता वो ऐसा मतलब सारी चाय मार्च में पी रहे

क्लियर किससे अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज है और रेसिपेंट लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए सर हाँ ना भाई yes. आइए सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फाइव अच्छा टफ है क्या बेटा मजा आ रहा है ना सर समझ में आ रहा है ना बात खत्म सर मस्त हो के सुनना सर मस्त हो के पढ़ना सर आप सर कभी भी ध्यान रखो को कोई सेक्शन पढ़ रहे हो कोई प्रोविजन याद कर रहे हो आप और हम बात कर रहे हैं बस क्लियर हम बात कर रहे हैं समझ रहे हैं बात खत्म और लिटरली रहा हूं अगर आपके पॉइंट्स अगर एग्जैक्टली exactly जो लिखा है वो अगर अपनी लैंग्वेज में समझ में आ गया आपको कि द इंटेंट ऑफ द लॉ क्या है वो अगर आपको समझ में आ गया प्रोविजन का मजा आ जाएगा सर आपको कोई भी एग्जाम हो लाइफ का सर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको आइए सर सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव बोलता है क्या गवर्नमेंट इज द पावर गवर्नमेंट इज द पावर और एक बात ध्यान रखना बेटा अगर आप में नॉलेज है ना सर अगर आप में नॉलेज है और आपने मेहनत करी हुई सर तो लोग आपसे डरेंगे सर आप किसे डरोगे नहीं सर रोहित मेरे को पीछे से कर रहा अभी तू क्या बात कर रहा तू रुक जा थोड़ी देर क्लियर रोहित मैंने कहा तू रुक जा अभी इनके हालत कर आप समझो बात उनकी ऑफिसर की नहीं थी वो ऑफिसर्स गलत नहीं थे सर गलती गवर्नमेंट की सर वो क्या कर रही है आप समझो वो देश के बिजनेसमैन को तो परेशान करिए ना सर ट्रेनिंग नहीं दे रही सर हम बैठे ना सर सर ट्रेनिंग देने के लिए सर दे शुड अपॉइंट अस क्लियर पर सर पॉइंट क्या है ट्रेनिंग भी देते पर ये लोग टाइम ही नहीं सर इनके पास ऑफिसर्स के पास रिविजन करने का पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं सर इनके पास इनके पास करप्शन के अलावा टाइम क्या इनके सर कुछ ऑफिसर्स बता बाकी सब सही होते सर कुछ लोग अच्छे नहीं होते सर पर हाँ सर नॉलेज अगर आपके पास है तो हमेशा आपकी जीत ही होगी सर हमेशा सर गवर्नमेंट इज द पावर सर आइए सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव बोलता है क्या गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी देख के नोटिफाई दिल थाम के ध्यान देना बेटा बहुत अच्छा सेक्शन है सर देखिन नोटिफाई सर्टेन ओ ओ ओ ओ, ओ देख नोटिफाई सर्टेन ओनली सर्विसेज भाई साहब बाकी अब तक जो पढ़ा आपने गुड्स और सर्विस और बहुत पढ़ा है बेटा आपने क्लियर और सर ये सेक्शन पता है किसके लिए स्विगी के लिए ओला उबर के लिए बेटा क्लियर ई e कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बेटा देखना ध्यान से गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन दी रिकमेंड जी एस टी काउंसिले नोटिफाइस इफ दोफाइड सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किससे सप्लाई किया सर आपने इफ दो सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देन ईसीओ

फुल स्टॉप कमाल का पॉइंट भाई एग्जाम्पल दू मस्त आपको गवर्नमेंट के पास पावर है कि देखिए सर्विज और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑप्टर के थ्रू सप्लाई करी तो सर ऐसे केस में ईसीओ शेल बी लाइबल टू पे टैक्स एंड ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसी एज इफ ए सी इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज ओके एग्जाम्पल दूंगा सर में मस्त आपको ओला ओला उबर टैक्सी तो आपने यूज किया होगा बेटा हूँ हूँ करना पड़ेगा रे, yes. मान लो मैं टैक्सी वाला हूं सर टैक्सी ड्राइवर बेटा ओके okay सर मान लिया सर ओके okay. माहौल सर सर क्या नाम यश यशवंत सर यश सर ओला कंपनी के मालिक बेटे हमारे बीच मिस्टर यश सर ओला हूं तो कर दो कम से कम इसको भी लगना चाहिए कुछ हुआ है सर ओला कंपनी के मालिक बेटे हमारे बीच मिस्टर यश सर ये टैक्सी ड्राइवर यशवंत yes. इसकी टैक्सी लिस्टेड है कहां पर सर ओला पर ओला पे मेरी टैक्सी लिस्टेड है सर रजिस्टर्ड है सर क्लियर आप साहब आप पैसेंजर लोग तो करो भाई हम हैं राही प्यार के है ना बेटा मैं पकाने लग जाऊंगा तो बेटा सर बेटा पैसेंजर्स अब आपको अंदर से कहा जाना बेटा चर्च गेट क्लियर आपने ओला ऐप ओपन करी बेटा एकदम नियरेस्ट टैक्सी मेरी सर अभी देख लो आप सर टैक्सी लेके पहुंच गया आपके पास क्लियर सर आपको पिक किया जो आपकी ड्रॉप लोकेशन थी वहां आपको ड्रॉप किया मान लो फेयर था रुपीज okay? मैं टैक्सी ड्राइवर बेटा आपने सात सौ रुपए या तो मेरे को दिए होंगे या ओला मनी से ओला को पे कर दूंगी क्रेडिट कार, कार्ड डेबिट कार्ड ऑनलाइन जैसे पे करना होगा आपने पे कर दिया अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है एक्चुअली ये प्रोविजन छोड़ो आप एक्चुअली सर्विसेज आपको किसने दी पैसेंजर को सर्विसेज एक्चुअली दी किसने ओला ने या टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी वाले ने, ने बेटा क्यों ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस तो मैंने दी ना यार ओला के थ्रू ओला इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये वो एग्रीगेटर है जिसने आपको और मेरे को मिलाया है बेटा दिस मॉडल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस बेटा ना भाई क्लियर अब सर ऐसे केस में एक्चुअली सप्लायर टैक्सी ड्राइवर है एक्चुअली रेसिपेंट आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है एग्रीगेटर है आप देखो सर अनऑर्गनाइज सेक्टर है ना, हर इंडिविजुअल टैक्सी वाले होते बेटा वो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया रिटर्न कितना उनके लिए सर इसलिए गवर्नमेंट ने

ओला विल बी ट्रीटेड एज इफ ओला सप्लायर ऑफ सर्विस हा भाई क्लियर yes. डन एक मिनट रेसिपेंट और सर्विस कौन बैठा इसमें पैसेंजर्स yes. क्या पैसेंजर टैक्स पे कर रहे क्या yes. इसलिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते दिस इज नॉट आरसीएम दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेज नॉर्मल एफ सी एम अरे भाई नॉर्मली जीएसटी में टैक्स कौन कर yes. पे, कर पे करता है

All the provisions of the act shall apply to the recipient as if recipient is the person liable to pay GST to the government. As if he is the 9-3 All provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government. 9 5 ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services. मतलब नाइन थ्री नाइन फोर में उसको एक काम दिया कि यू विल हाँ काम दिया टैक्स पे करना है और तू है इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते बेटा पर ईसी को तो पूरा सप्लायर बना दिया ईसीओ को क्या मानेंगे बेटा सप्लायर है वो क्लियर और जो प्रोविजन सप्लायर पे लगते वो सब उसपे भी लगेंगे बच्चों क्लियर पक्का

ये था बचो सी जी शेल बी लेविड ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई गुड्सर बहुत एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमनशन एट द रेटिफाइड टू एट द रेट नोटिफाइड नॉट मोर देन ट्वेंटी याद आ गया ना वर्ड क्लियर टेक्सलर्सन का मीनिंग याद आ रहा है बेटा आपको

अगर वो चार नोटिफाइड सर्विस ये लोग सप्लाई करेंगे तो कवर हो जाएंगे वरना कवर नहीं होंगे हाँ है ना भाई डन yes, सर ये सेक्शन नंबर नाइन खत्म होता है अब अब सुनो बेटा जो सेक्शन नंबर नाइन था सीजीएसटी एक्ट का वही सेक्शन नंबर फाइव है आईजीएसटी एक्ट का देखना ध्यान से सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन ओ भाई इधर उधर मत देखो बेटा एक मिनट खत्म हो रहा है सर आईजीएसटी एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई भी क्या लगता भाई? आईजीएसटी का सेक्शन नंबर आई एक्सेप्ट दारू द रेट नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन नॉट मोर देन फोर्टी परसेंटी बेटा सी जी एस टी प्लस टी फोर्टीट होगा क्लियर एंड इट पर्सन खत्म एक प्रोवाइज और प्रोवाइज बोला क्या अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट करते हो क्या करते हो बेटा गुड्स इंपोर्ट करते हो तो जब कस्टम लगता ना उस पे, साथ में आईजीएसटी भी लगेगा बेटा ठीक है और वो पॉइंट पढ़ते हुए बच्चों ठीक सेक्शन नंबर फाइव टू बोलता है क्या वो पांच गुड्स पेट्रोलियम गुड्स पे जीएसटी नहीं लेवी होता है बेटा सर नाइन फाइव थ्री बोलता है क्या नोटिफाइड गुड बहुत बेटा डॉन केस में कौन लाए है बताता रहा हूँ कौन लाइव है सर सेक्शन नाइन फोर याद है बिल्डर और फाइव फोर बिल्डर के केस में बेटा हाँ है ना भाई और फाइव फोर क्या है ओला उबर वगैरह बच्चों यस या नो yes. बस सीजीएसटी एक्ट में इंटरेस्टेड लिखा है यहाँ इंटरेस्टेड लिखा है बाकी प्रोविजंस एब्सोल्युटली सेम ये था सेक्शन नंबर फाइव ऑफ द आई एक्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सर पक्का बच्चो डन यार एक चीज बताओ सर स्टेट हो या इंटर स्टेट हो सी जीएसटी एस जीएसटी हो या आई जीएसटी हो ये जीएसटी लेवी कब होता है आवाज यारी है जीएसटी लेवी कब होता है सर देखो आईजीएसटी एक्ट में बोला था क्या आई जीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाय सी एस एंड एसजीएसटी या यूटी जीएसटी विल बी लेविड ऑन स्टेट सप्लाई मतलब इंट्रा हो या इंटर हो सी हो एस हो या आई हो लेवी कब होगा सर व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी व्हाट डू मीन बाय सप्लाई सर द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर सेवन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर सेवन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया क्या डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ओ भाई सेक्शन नंबर सेवन एक मिनट पता है अगर जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई टर्म है अगर जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेफिनेशन है अगर जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो क्या है क्यों टैक्सेबल इवेंट ही सप्लाई है सर अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आए ही नहीं जीएसटी से बार इसलिए द तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी इज सप्लाई और हम शुरू कर रहे हैं क्या द टर्म सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन पता क्या कितना बेटा The term supply includes. फिर सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन ए आएगा फिर सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन टू आएगा उसमें क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी आएगा फिर सबसेक्शन नंबर थ्री आएगा उसमें क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी आएगा फुल जाके क्या आएगा फुल स्टॉप ओके okay, ये स्ट्रक्चर है कि कहां पे क्या है सर 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 अभी आराम शिद्दत से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे मस्त हो गया सर सर सेक्शन नंबर सेवन में क्या लिखा है सर सप्लाई इंक्लूड्स ए डबल ए बी एंड सी फिर सेक्शन वन ए आ गया फिर सेक्शन टू आया उसमें क्लोज नंबर ए और बी फिर सेक्शन थ्री आया उसमें क्लोज ए और बी हटाओ ओके okay, अभी तुम्हें बात कर रहा हूं क्या सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन की एक मिनट सर द टर्म सप्लाय द टर्म सप्लाय इंक्लूड्स ए डबल ए बी सी इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है सर ए बी सी डी में क्या लिखा है पढ़ लेंगे बाद में हम सप्लाई इंक्लूड ए डबल ए बी सी हाँ जी इसका मतलब क्या है यह इंक्लूसिव डेफिनेशन है हाँ और बट नॉट लिमिटेड टू मतलब चलो एक एग्जाम्पल समझाता हूं मतलब नहीं है इंक्लूसिव डेफिनेशन है इट इज नॉट लिमिटेड टू ए डबल ए बी सी है ना बेटा ओके okay, चलो मैं और अपने इसी लैंग्वेज बताता हूं आपको सप्लाई इंक्लूड्स ए डबल ए बी सी अगर यहां पे इंक्लूड्स नहीं होता यहां लिखा होता क्या अगर लिखा होता सप्लाई मींस तो क्या होता सप्लाई मीन्स ए A, डबल ए बीसी बात खत्म माय लाइफ मींस यू मतलब तुम ही हो माय लाइफ इंक्लूड्स यू छपाक तुम भी हो <laughs> समझ रहे मेरी बात सर माई लाइफ इंक्लूड्स यू मतलब तुम भी हो हा है ना और माई लाइफ मीन्स यू मतलब तुम ही हो ये फ्लर्ट है बेटा सच्चा प्यार ये इंक्लूसिव एग्जोस्टिव नहीं है समझ रहे बेटा इट इंक्लूड्स एबीसी नॉट लिमिटेड टू है ना बेटा आपने बोला ना बेटा माई लाइफ इंक्लूड्स यू मतलब नॉट लिमिटेड टू दिस है ना और भी कुछ हो सकता है सर है ना बहुत बढ़िया है, है यहाँ तक बात समझ में आ रही है इन्होंने पता है जब हम ए डबल ए बी सी पढ़ लेंगे ना बेटा तो आपको एहसास होगा कि सब कुछ कवर कर लिया बेटा एवरीथिंग इज कवर देखो बेटा एक्साइज सर्विस टैक्स वेट और नजर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए और कोई भी ट्रांजेक्शन अगर गलती से भी लेवी के स्कोप से बाहर निकल गया जब लेवी नहीं हुआ लाइविटी तो आएगी नहीं सर जब लाइविटी नहीं आई पेमेंट की बात आएगी नहीं और अगर पेमेंट की बात नहीं आ रही तो रिकवरी की बात तो आती ही नहीं सर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लेवी और जीएसटी लेवी होता है साहब सप्लाई है है ना मालिक इसलिए सर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी में सब कुछ कवर किया फिर भी इन्होंने ऊपर क्या लिखा टू सेफर सेफर साइड साइड क्लियर टू इन्होंने सर इंक्लूड्स लिखा ऊपर बेटा समझ में आया पॉइंट आपको क्लियर सर आइए क्लोज नंबर ए की तरफ बात करते हैं बेटा सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स

सर टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी चैप्टर वन में दे रखा है मैंने आपको बेटा सेंट्रल लेवीज सब्स्यूम्ड इन जीएसटी कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हुए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बेटा कुछ गुड्स पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगता था वो सब मर्ज हो गया बेटा एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रोपरशन एक्ट सर ये भी मर्ज हो गया अच्छा

बैटिंग सट्टा बेटा उस जीएसटी लगता है पता होगा ना कि आपको तो बेटा नहीं पता था अब पता बेटा बेटा अब खेलना ओके सर एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स मर्ज हो गया वेट सेल्स टैक्स जो मेजर टैक्स था मर्ज हुआ लग्जरी टैक्स मर्ज हुआ टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट ये सब मर्ज हो गए स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो सबसे जीएसटी के अंदर बेटा

पता ही था आपको बेटा सर पता होगा ना आपको तो बेटा दारू भी क्या है स्टेट एक्सरसाइज और वेट है ना वो मर्ज नहीं हुआ बेटा है ना अभी भी वही बिल पे देखते होंगे बेटा आप चलो सर हाँ बहुत अच्छा बेटा सर <laughs> सेंट्रल एक्साइज से ड्यूटी ऑन फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट बेटा पता है ये टोबेको खाने वाले लोग जो है ना बेटा टोबेको सिगरेट वगैरह पीते ना बेटा लोग वो तो बेटा मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इतने अच्छे लोग है बेटा इतना जन कल्याण का काम कर रहे बेटा आप देखो भाई हमने छह गुट पड़ी घूम लो और झूम लो उनपे जीएसटी नहीं है उसमें टोबेको नहीं था बेटा तो पता है टोबेको और सिगरेट पे तो सर एक्साइज भी लगता है टोबेको और सर

साहब देश के लिए फंड कलेक्ट कर रहा हूं <laughs> सर मैं सिगरेट पीता हूं उस पर एक्साइज लगता है मैं सिगरेट पीता हूं उस पर जीएसटी लगता है मैं सिगरेट पीता हूं जीएसटी कंपनसेशन कलेक्ट होता है मैंने कहा तेरे पैर का है <laughs> सर उसके उल्टे कर भाग जाए ऐसे <laughs> समझ हो मेरी बात सर हाँ है हाँ ना पता होगा ना फिर आपको तो सर नहीं सर अच्छा हाँ सर वेरी गुड अभी समझ में आए बेटा आइए सर स्टेट जो लैंग्वेज नहीं हुई जीएसटी में अगेन सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर फॉर ह्यूमन ओपीएम इंडियन याद पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो पांच गुड ज्यादा पेट्रोल वाली बेटा एंड एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजन पे सेंट्रल सर स्टेट एक्साइज भी है और स्टेट सेल्स टैक्स भी बेटा इस पे हा है ना भाई

ऐसी कोई चीज नहीं यूज करनी जिससे हम अपना होश खो दे बेटा। हाँ ना? सर, सर इसलिए जी रहे हम अपना होश खोने के लिए सर सर वो काम आपको करना आप पूरा अपने कंट्रोल में रहे मतलब तंबाकू पर टॉपिक को पे सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है बेटा जीएसटी और जीएसटी कंपनेशन से दारू पर स्टेट एक्साइज है वेट सेल्स से टैक्स है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर पक्का टिक सर तो, ओके सर ये टैक्सेस कौन कौन सबसे वो हमने बात कर ली आओ बच्चों सर हम बात करते क्या सप्लाई टर्म सप्लाई अब देखो बेटा सर इतने सारे टैक्सेस सबसे मूवी जीएसटी में समझना ये मैंने क्यों पढ़ाया बीच में आपको इतने सारे टैक्सेस सबसे मूवी जीएसटी में और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल जाए तो तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा ना रेवेन्यू का यार इसलिए सप्लाई इंक्लूड्स लिखा इतने सारे टैक्सेस सबसे हुए जीएसटी के अंदर और कोई भी सर रेवेन्यू गवर्नमेंट का लूज नहीं होना चाहिए सर टैक्सेस मर्ज किए सर टैक्सेस खत्म नहीं किए गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं जीएसटी आ रहा तो ठीक है इस पर टैक्स मत लगाओ ऐसा नहीं है टैक्सेस मर्ज हुए सबसे हुए हुए जीएसटी के अंदर सो दैट सिंप्लीफाइड टैक्स बन पाए हिंदुस्तान के अंदर पर सर इसका मतलब ये नहीं था कि रेवेन्यू लॉस करना है इसलिए गवर्नमेंट सप्लाई का डेफिनेशन बनाते वक्त बहुत ही ध्यान रखा है और शिद्दत के साथ इन्होंने नंबर ए ए डबल बी और सी ड्राफ्ट किया है सो so दैट कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर नहीं निकल पाए और सब कुछ सप्लाई इंक्लूड्स में कवर हो पाए बेटा और फिर भी अगर नहीं आए तो भी सप्लाई इंक्लूड्स लिखा ही ऊपर बेटा हा है ना अब सप्लाई इंक्लूड्स में क्या लिखा है क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी में क्या लिखा है ये हम पढ़ लेंगे ब्रेक के बाद ma olen .